बाद मैंने इन लोगों को स्पॉट किया, ये देखो ये सारे हमारे भाई हैं प्रेस के, ये देखो सब वो एक दूसरे की स्पॉटिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ कैसे हो? बहुत बुरे। इसको इसको पलटाते कैसे? रुको, हमारे बहन के भाई सारे सब लोग कितने सीरियस हो गए। सीरियस क्यों है? टाइम ओवर हो गया। क्या बात कर रहे हो? लोग जाना है दोस्तों। कैसे हो, कैसे हो आप लोग? ठीक है श्रद्धा। क्या कर रहे हो लोग? फटाफट चलो, क्या चलो, चलो फोटो ले लो, घूम ले लो, घूमो फोटो आराम से। ये सब क्या है? ये सब क्यों है? क्या कर रहे हैं ऐसा? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग ऐसा? आप बताओ क्या कुछ है सरप्राइज आपकी तरफ से? सरप्राइज मेरी तरफ से? सरप्राइज तो आज आज शाम को है। आज शाम को बहुत बड़ा सरप्राइज है। सैटरडे और बेकाबू आता है। सैटरडे को हम बेकाबू जाते हैं। सैटरडे संडे वीकेंड तो हमेशा बेकाबू होना चाहिए और मैं भी बेकाबू हो रहा हूँ। और हम लोग मैं कल परसों मैंने रात में वीडियो भी डाला था, है ना, कि सिर्फ शो ही बेकाबू नहीं है, हम सब बेकाबू हो रहे हैं। पूरा यूनिट, पूरा सेट, हम सब पागल हैं, पागल हो रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और हम लोग तकरीबन आई डोंट नो कि हमारा पैकअप कब होता है और फिर हम शूट चालू कब करते हैं, बट इट इज़ ग्रेट फन। वेल साथी शालिन, बेकाबू के बाद कितने अच्छे कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं आपको उस रोल में देखिए, उस किरदार में देखिए। मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत ही मतलब मेरे लिए एम्बैरेसिंग एक मैंने अभी पोस्ट देखा जहां पे ऐसा था कि ऐसा कंपेयर कर रहे थे कि मतलब कपिल भैया के साथ में कि उनके शो से ज़्यादा TRP आई है। ऐसा है बिल्कुल, मतलब उनका लेवल ही बहुत ऊपर है और ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा है। मैं उस चीज़ से ले खुश हूँ, है ना, किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ, लोगों को शो पसंद आ रहा है, लोगों को बेकाबू पसंद आ रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी। आपको क्या लगता है TRP कितना इम्पोर्टेंट है एज पर द शो? मेहनत तो सभी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, TRP के बारे में यार, TRP इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा होनी भी चाहिए। और एक रिलेटिविटी फैक्टर होती है। दो एस्पेक्ट होते हैं इसमें। पहला कि आपके जो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं वो आपको इस काम में आपको पसंद कर रहे नहीं कर रहे। सबसे पहले आपका परिवार इंपॉर्टेंट है ना। तो शालिन की सेना जैसी, वो मेरा परिवार है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे चाह रहे हैं, वो मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जो नेटवर्क है, है ना, जो प्रोड्यूसर हैं, जो इतनी मेहनत, इतने पैसा लगाते हैं, है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि यार उनको नुकसान नहीं हो रहा। एंड देन कम्स द नंबर गेम, विच इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर स्टॉक, यू नो, लाइक हाउ मनी टॉक्स, नंबर टॉक्स। फिर कहीं ना कहीं TRP बढ़ सकता है अगर ये इंटरव्यू के बाद अगर लोग देखेंगे तो। बता दीजिए क्या कुछ हिंट है आने वाले एपिसोड्स में? बहुत सारा कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैं आपको राज के बारे में बताता हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। थोड़ा टाइम वेट कर लो आप शाम को। अच्छा ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मैं कितना ऐसा बता सकता हूँ? ओके, तो दो हिंट देता हूँ आपको, दो अच्छा सा एक टिप्स देता हूँ। पहला कि जो वो स्वीट वाला रानव था, है ना, अब जो नॉट सो वो स्वीट वाला रानव है ना, वो स्वीट वाले रानव का ना सारा जो कसर थी ना, जो उसके साथ में बुरा हरकतें हो रही थी और सब लोग उसको कितना बुरा ट्रीट कर रहे थे ना, अब वो उसका बदला लेगा और बहुत मस्ती मिलेगा। और आपको अब जो नया रानव है ना उसमें थोड़ा सा शालीन दिखेगा। साजिश शालिन, सभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मिलते हैं, सभी एक साथ स्पॉट होते हैं, लेकिन आप बहुत कम स्पॉट होते हो, बहुत कम दिखते हो। हाँ, क्या है इसका कारण? मैं देखो ना, मैं अभी भी लेट हो रहा हूँ। मैं अभी सेट पे लेट हो रहा हूँ। HOP का फ़ोन आया, सर कहाँ पहुँचे? तो मैं सबसे पहले जो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और जो मेरा धर्म है ना, जो बेकाबू है, शो है, उसको मैं अच्छे से कर लूँ। पार्टियाँ तो करते रहेंगे लाइफ में, है ना, आई एम नॉट मेंट फॉर पार्टीज। हाँ जी, चंडीगढ़ से अभी अंकित है, तो उनसे मिलने का आपका क्या प्रोग्राम है भाई? वो उसके स्वागत है, मेरा घर उसके लिए हमेशा खुला है और मेरा सेट भी खुला है और मेरी वैनिटी भी खुली है। ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, बट हैविंग सेट दैट, हम इतना क्योटिक शूट कर रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपना 200% दूँ, है ना। मेरे लिए मेरा सेट ही पार्टी है, मेरे लिए मेरा यूनिट जो है वो मेरा पार्टी सर्कल है। Page 3 जो क्राउड होता है ना, वो मेरा यूनिट है, मेरे लाइट मैन है, मेरे HOP हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, डायरेक्टर हैं,
और मेरे और मैं तो डायरेक्टर के साथ में हम रंजन जी हैं, द वर्ल्ड फेमस रंजन जी, नागिन के भी वही डायरेक्टर हैं, तो वो हमारे डायरेक्टर हैं और उनके साथ में इतना मज़ा आता है। हम तो शेर व शायरियाँ भी करते हैं, गज़लें भी गाते हैं सेट पे, कभी आप लोग आएंगे तो आप लोग देखेंगे हम लोग बहुत मस्ती मारते हैं। सो माय पार्टी इज़ ऑन माय सेट। वेल, बिग बॉस के बाद कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे आप मिस करते हो? जैसे कि सभी से हम बात करते हैं तो हर कोई बोलता है कि ये फ्रेंडशिप बॉन्ड हमें अच्छा लगता है। मैं बिग बॉस की आवाज़ बहुत मिस करता हूँ, मैं सलमान सर को बहुत मिस करता हूँ। आज देखो वीकेंड का वार भी है, सैटरडे है ना, और मैं बाई चांस ऊपर वर्कआउट कर रहा था आज, तो बाई चांस मुझे सिया, तो बाई चांस मुझे सीधे राधे का टाइटल ट्रैक आ गया, राधे 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 राधे, मैं ला हूँ सर। देन आई वॉज लाइक देखा, तो मैं सलमान सर को बहुत मिस करता हूँ, मैं जेन्यूनली मिस करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। सॉरी, चलो मैं भाग रहा हूँ। हाँ जी, क्या 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 क्या, थैंक यू। मैं आपको बताऊँ, मेरा मेरा मेरे नए शो आ रहे हैं जिसका नाम है, मैं आप लोगों को और अच्छी बात बताता हूँ कि बेकाबू आने वाला है, रात में 9 बजे आप वो जरूर देखें। जा रहा जाना मेरा नहीं वो टीना दत्ता।